नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रीडिंग लवर्स पर। दोस्तों आज की जो वीडियो, इसमें हम बात करेंगे जो दिल्ली स्किल यूनिवर्सिटी जो है DSEU, इसमें जो अनेक प्रकार के पदों के लिए वैकेंसी निकली हुई है। और अगर आप इस वैकेंसी को, इसमें कौन कौन सी वैकेंसी है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, कब से आप अप्लाई कर सकते हैं, सारी डिटेल ये देखना चाहते हैं तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाले को नहीं से जोर दबाएं, जिससे आपका हमारे आने वाले जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो इस समय जब इनकी जो मेन जो वेबसाइट है, हम इस पर हैं, इसे सर्च करके आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं, या फिर इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप इनकी वेबसाइट पर आ सकते हैं। तो जैसे आप इनकी वेबसाइट पर आओगे, कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो 22 फरवरी 2022, तो 22 तारीख से आपके जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन ये शुरू हो जाएंगे। और जो इसके लिए लास्ट डेट है ये है 8 मार्च 2022। रजिस्ट्रेशन लिंक दिया गया है, जैसे लाइब्रेरियन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो क्लिक है टू रजिस्टर यहाँ से। जूनियर मैकेनिक वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, सीनियर मैकेनिक के लिए यहाँ से, इंजीनियर के लिए यहाँ से। पहले जो है पोस्ट वगैरह देख लेते हैं, तो आपको यहाँ पर ये जो एडवर्टाइजमेंट का ऑप्शन देगा दिखाई देगा। जैसे जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो नोटिस है डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपका नोटिस यहाँ पर आ चुका है, वैकेंसी नोटिस आप देख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट 1/2022। और इम्पोर्टेंट बात कुछ कही गई है, ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशन विल यू एक्सेप्ट, तो ऑनलाइन माध्यम से ही यहाँ पर ये एक्सेप्ट किया जाएगा। और ओपनिंग डेट यहाँ पर यह है 1 फरवरी 2022, और जो क्लोजिंग डेट है ये है 8 मार्च 2022। पोस्ट आप ये देख सकते हैं, यहाँ पर ये पोस्ट है, ये पोस्ट का नाम है और कैटेगरी ऑफ पोस्ट दी गई है और वैकेंसी दी गई है, यहाँ पर कैटेगरी में कौन सी में कितनी वैकेंसी है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, जूनियर मैकेनिक है, इलेक्ट्रिकल, तो वर्कशॉप असिस्टेंट, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर वैकेंसी दी गई है, टोटल ज़्यादा 43 यहाँ पर दिखाई गई है। और उसके बाद कुछ ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर कही गई है, लास्ट डेट क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन जो है ये रहेगी 8/3/2022। उसके बाद यहाँ पर इसमें कुछ और डिटेल दी गई है, जूनियर मैकेनिक, टेक्निकल या नॉन टेक्निकल, नेम ऑफ पोस्ट, पे बैंड दिया गया है यहाँ पर, एज लिमिट, क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, और 2 ईयर्स फॉर डायरेक्ट रिक्रूट मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है यहाँ पर ये। ऐसे ही यहाँ पर सीनियर मैकेनिक के लिए दी गई है, पे स्केल वगैरह दिया गया है, और उसके बाद एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, तो ये आप अपने अनुसार यहाँ पर देख सकते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर ये रहेगी। ऐसे ही वर्कशॉप असिस्टेंट के लिए है, इनके लिए एज लिमिट यहाँ पर 35, तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अलग अलग जो पोस्ट है उनके अनुसार ये अलग अलग क्वालिफिकेशन वगैरह, एज लिमिट जो है ये यहाँ पर इसमें रहेगी। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन भी बताए गए हैं। उसके बाद यहाँ पर मोड ऑफ सिलेक्शन दिया गया है, और सबसे अच्छी बात रहेगी कि देर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यहाँ पर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एग्जामिनेशन स्कीम दी गई है यहाँ पर, जो जनरल यूआर वालों के लिए 40% अंक लेने जरूरी है, ओबीसी डब्ल्यूएस वालों के लिए 35%, एससीएसटी के लिए 30%। ये आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हैं, उसके बाद रिजर्वेशन बेनिफिट देख सकते हैं।
ये जो है यहाँ पर इसमें डिटेल ये सारी बता दी गई है। उसके बाद है फॉर ग्रुप बी एंड सी पोस्ट एक्सटेंड ऑफ पेज कंसेशन, आरक्षण वगैरह जो है यहाँ पर ये इसमें बताए गए हैं। उसके बाद इलेक्शन कॉन्ट्रेक्चुअल जो एम्प्लॉई है उनके लिए। उसके बाद है यहाँ पर एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर जो जनरल कैटेगरी वाले और ओबीसी क्रीम लेयर वाले जो है इनके लिए 500 रुपये फीस, और जो रुपये 350 रुपये हैं ओबीसी नॉन क्रीम लेयर ईडब्ल्यूएस वालों के लिए, और जो 250 रुपये है ये रहेगा यहाँ पर फॉर फीमेल कैंडिडेट ऑल कैटेगरीज एंड SC ST मेल फीमेल, और ट्रांसजेंडर कैंडिडेट जो उनके लिए यहाँ पर कोई फीस नहीं रखी गई है। फाइनल डिसीजन यहाँ पर बताया गया है और ये यहाँ पर एनेक्जरा इसमें दिखाया गया है। उसके बाद यहाँ पर ये सिलेबस है आपका, एग्जाम ड्यूरेशन यहाँ पर 2 घंटे की है, टाइप ऑफ क्वेश्चन MCQ आएंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100, मैक्सिमम मार्क्स 100। उसके बाद नेक्चर 3 है ये। तो ये तो जाए यहाँ पर ये नोटिस था, साइट पर वापस चलते हैं और आप कैसे यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे आपने लाइब्रेरी जो इसके लिए अप्लाई करना है तो क्लिक है टू रजिस्टर पे क्लिक करना होगा, उसके बाद जो आपको नए पेज पर ही लिख रहा आएगा। यहाँ पर अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपने पहले फॉर्म नहीं फिल किया है, तो रजिस्टर न्यू कैंडिडेट पे क्लिक करना होगा। कुछ यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन बताए गए, आप इन्हें यहाँ से पढ़ सकते हैं। और न्यू रजिस्ट्रेशन अगर आप करना चाहते हैं तो यहाँ से, और अगर आपने यहाँ से पहले कर लिया है रजिस्ट्रेशन तो लॉगिन आईडी से आप यहाँ से दोबारा से चेक कर सकते हैं। तो जैसे आपने नए फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। तो जैसे जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने आएगा, यहाँ पर आप इसमें देख सकते हैं। इन सभी के ऊपर आपने टिक जाए करना होगा, आप इसे पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर किस ये पोस्ट कौन सी है ये आपने यहाँ पर फिल करनी होगी, कैंडिडेट नेम, फादर मदर नेम, उसके बाद जेंडर, मेटीरियल स्टेटस, कैटेगरी, तो ये सभी जो आपने यहाँ पर फिल करनी होगी। और यहाँ पर एज आज ऑन 28 फरवरी 2022, तो जैसे आप फिल करेंगे तो अब यहाँ पर पता लग जाएगा। उसके बाद यहाँ पर ईमेल एड्रेस डालना है और यहाँ से कंफर्म करना है, वही सेम ईमेल एड्रेस, यहाँ पर मोबाइल नंबर, और ऐसे ही जैसे ईमेल एड्रेस फिल करोगे तो उस पर ओटीपी आएगा, ओटीपी यहाँ पर फिल करना है, ऐसे ही मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा वो यहाँ पर फिल करना है। और ये कैप्चा आपको दिखाई दे रहा है ये यहाँ पर फिल करना है, ये दोनों यहाँ से टिक कर देने हैं, और यहाँ से इसे एक बार चेक करके दोबारा से जब इसे चेक कर लोगे तो यहाँ से सबमिट एंड कंटिन्यू कर देना है। तो उसके बाद जो आगे की प्रक्रिया यहाँ से शुरू हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपना फॉर्म जो है इसे फिल कर सकते हैं। तो ये जो हाल ही में महत्वपूर्ण अपडेट जारी हुई है, और दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण अपडेट को पाने के लिए, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।